जीत रसोई में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम सेवइयों की खीर। तो आपको दिख रही हुई हमारी बनाई हुई एकदम बढ़िया। तो अब इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिए हैं काजू और किशमिश और बादाम और 5-4 इलायची। तो हम इनके इलायची को पीस लेंगे और काजू बादाम को छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और 100 ग्राम हम लेंगे सेवइयाँ। तो मैंने एक कटोरी में सेवइयाँ ली है 100 ग्राम के लगभग। तो आपको दिख रही होगी छोटे छोटे टुकड़ों में आती है खीर की सेवइयाँ, तो आप ला सकते हो मार्केट से। और अब मैं कढ़ाई ली है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने घी डाला है 1 चम्मच, और अब इसमें सेवइयाँ डालकर इन्हें अच्छी तरह सेक लेंगे। तो सेकने के क्या, आपको लो गैस की लो फ्लेम पे सेकनी है, नहीं तो आपकी ब्लैक हो जाएगी, जल जाएगी जल्दी। तो आपको एकदम गैस की फ्लेम बहुत कम कर देनी है, और फिर अच्छी तरह इसको आपको 4-5 मिनट लगेगी इनको सेकने में। तो आप अच्छी तरह इनको 4-5 मिनट तक अच्छी तरह सेकें, तो आपको गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इनका, तब आपको पता लग जाएगा कि हमारी सेवियाँ अच्छी तरह सिक चुकी है। तो आपको बताता हूँ सेक के। तो देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुका है 5-6 मिनट में, एकदम बढ़िया सिक चुकी है हमारी सेवियाँ। इससे ज़्यादा कलर अच्छा करोगे तो जल जाएगी। तो ये एकदम बढ़िया परफेक्ट है हमारी सिकी हुई। तो अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं, गाय भैंस या मार्केट में मिलता है गोल्डन का दूध, वो भी ले सकते हैं। तो हमने दूध लिया है, अब इसमें डालेंगे जो भी इलायची पाउडर बना लिया है हमने इलायची को पीस कर, और जो भी काजू किशमिश उनको तोड़ लिए हैं मैंने विद, और वो डाल देंगे इसमें। अब अच्छी तरह इन्हें मिलाएंगे, और जब तक एक उबाल ना आए, जब तक इसको चलाते हुए हमें पकाना है, नहीं तो ये सेवियाँ एक दूसरे की चिपक जाती है। तो हमारी, और फिर इसको 5-10 मिनट तक उबलने देना है। तो 10 मिनट में आप हमारी सेवियाँ एकदम पक, एकदम बढ़िया खीर बनके तैयार है 10-15 मिनट में। तो आप बना सकते हैं, और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।